राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में आज कई हिंदू संगठन के लोग अंबेडकर पार्क में जमा हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की है उन लोगों का हिंदू संगठन के लोगों ने पुतला भी जलाया। उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। हिंदू संगठनों की मांग थी कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और कन्हैया लाल के परिवार को सरकार आर्थिक मदद दे और उन्हें सुरक्षा दे। केवल ये संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी हमारे केंद्र के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि भारत के अंदर आतंकवादी जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो अभी कन्हैया की हत्या हुई है निर्मम, ये बिल्कुल एकदम से सरासर बुजदिली का नतीजा है। ये बुजदिल है, कार है और पाकिस्तान इसके पीछे उसका हाथ है। यदि उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो आए दो दो हाथ हमारे बदनदल के बुजुर्ग विश्व बस से लोगों से करके देखे, उनको नहीं पाताल भिजवा दे तो हमारा नाम बदनदल विश्व बस से कटवा दे। रामपुर जनपद के लोग जो राम भक्त है, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से जुड़े हैं, अब किसी हाल में भी ये ऐसी गुंडागर्दी ऐसी हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भी हम प्रशासन को कहना चाहते हैं और शासन के बैठे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को खुलेआम उनका पर्दाफाश करिए, अन्यथा हम उनका खुल के मुकाबला करेंगे। किसी हाल में भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम 10,000 है, कल को 10,00,000 होंगे। पुतला ये आतंकवाद जिन्होंने हमारे कन्हैया को मारा है उनका पुतला फूका गया है, बुरी तरीके से उनका तलवारों से काटा गया है, उनका आज हमारे लोगों ने पुतला फूका है। मेरा नाम हरद्वारी सिंह यादव है और ये जो उदयपुर में घटना हुई है, जो निर्मम हत्या कन्हैया लाल की गई है, उसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शन जो है हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद क्या करेंगे, ज्ञापन देंगे? प्रदर्शन के बाद जो है माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये हिंदू संगठनों की तरफ से ज्ञापन है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो राजस्थान की सरकार है उस सरकार को जो है बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वजह यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में जो सरकार है वो बिल्कुल चुरमुर सरकार है, जिसके कानून व्यवस्था पर कोई अधिकार नहीं है, पूरा कानून व्यवस्था वहाँ चरमराई हुई है। जिस तरीके से हमारे भाई कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई है और उन लोगों ने, और हत्या करने के बाद एक वीडियो वायरल कराया गया है कि इस तरीके से हमने हत्या की, तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए, और हम जिससे राजस्थान की सरकार को हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि भंग करा जाए वहाँ की सरकार को और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए जिससे कि वहाँ की कानून व्यवस्था सही हो सके। ज्ञापन माँ महिम राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हुआ है। आपकी भावनाओं को माँ महिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।